हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शंस अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे। आज अभी हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे, एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, फिर उसके बाद जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में वील बी डूइंग सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गो थ्रू द टॉपिक मोर एंड मोर नंबर ऑफ टाइम। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो ले रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है और इसके बारे में क्या दिया है, एफ इज सच दैट आर रिलेट्स टू आर, रियल नंबर्स को रियल नंबर से रिलेट करना है, रियल नंबर्स को रियल नंबर से रिलेट करना है। दिस इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। इसमें अभी हम लोगों ने ये बोला कि इस फंक्शन को अगर अभी हम लोग देखें तो ये मॉड्यूलस फंक्शन है और मॉड्यूलस फंक्शन की खासियत क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन अंदर आप कैसा भी इनपुट दे दें, इसमें एक्स में आप कैसा भी इनपुट दे दें, जो आउटपुट आपको मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग दी मैपिंग, आपको मैपिंग के टर्म्स में समझा दे रहे हैं पहले प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुअली, फिर इसको एग्जामिनेशन में कैसा करना वो बता देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 0.5 रखें इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर 0.5 रखें तो आंसर इसका 0.5 रखने पर 0.5 ही आएगा, -0.5 अगर रखेंगे तो ये फंक्शन क्या करता है, इसको पॉजिटिव बना देता है। तो इसको भी हम लोग ये कहते हैं, ये वाला जो मॉड्यूलस फंक्शन है इसकी खासियत ये है कि अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है, अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये डायरेक्टली उसको वैसे ही लिख देता है विदाउट एनी चेंज, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वही नंबर आपने फिर से लिख दिया। जैसे 7 अगर है तो इसमें 7 ही आ जाएगा। तो ये कंडीशन कब होगी, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये अंदर वाला नंबर नेगेटिव अगर है, सपोज फॉर एग्जांपल -7 है, तो ये फंक्शन क्या करता है, इसको पॉजिटिव बना देता है। इसको अभी हम लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अंदर वाले नंबर को इसने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अंदर वाले नंबर को माइनस साइन से कब मल्टीप्लाई करता है, जब अंदर वाला नंबर माइनस में हो। तो अब इसको अभी हम लोग ऐसा लिखते हैं कि इफ एक्स इज स्मॉलर देन 0, अंदर वाला नंबर स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव अगर है तो इसको ये कैसा माइनस एक्स बनाकर लिख देगा, पॉजिटिव अगर है तो कोई चेंज नहीं, पॉजिटिव अगर है तो कोई चेंज नहीं, नेगेटिव अगर है तो ये उसको पॉजिटिव बना देता है, अंदर वाले नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता है। तो अब इसमें 0.5 और -0.5 दोनों किससे कनेक्टेड है, 0.5 से कनेक्टेड है। ऐसे ही -1 और 1 को अगर आप देखो तो ये दोनों 1 से कनेक्टेड हैं, मतलब इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो ये मेनी टू वन है, मेनी टू वन क्यों है, क्योंकि इसमें दो नंबर्स एक से कनेक्टेड हैं, दो नंबर्स कौन से, एक पॉजिटिव वाली वैल्यू और करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यूज, ये सब जो है पॉजिटिव वैल्यू से कनेक्टेड है, -3 और 3 दोनों को अगर आप इसमें डालें, इस फंक्शन के अंदर अगर अभी आप इनपुट दे दें एक्स की वैल्यू -3 और +3 तो आंसर इसका +3 ही आएगा। सो वी से दैट दिस इज व्हाट मेनी टू वन फंक्शन। अब उसके बाद ऑन टू अगर बताना है तो ऑन टू बताने के लिए अभी हम लोग ये कहते हैं कि इधर के सारे नंबर्स कनेक्टेड होने चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये -1 -2 -3 -1.5 ये सारे नेगेटिव नंबर्स किसी से कनेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि आप इसमें कोई भी नंबर डालें आंसर -1 नहीं आने वाला।
तो इसमें बहुत सारे नंबर्स जो कि नेगेटिव हैं वो अनकनेक्टेड रह जाएंगे, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं। तो अब इसको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है वो भी हम बता दें। तो ये तो अभी हमने क्या किया है, आई कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन्ड व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में कैसा फंक्शन दिया है उसके बारे में बता दिया, और ये वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ये भी बता दिया। अब इसको एग्जामिनेशन में करने का तरीका क्या है, वन वन अगर प्रूफ करना है तो अभी हमने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया है। क्या तरीका बताया है? कि आप एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ले लो, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ले लो। आपने अगर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ले लिया तो इसको सिंप्लीफाई करने पर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिलना चाहिए, लेकिन देखो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू अगर है तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर, इसको सिंप्लीफाई करने पर एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एग्जांपल के लिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स वन और मॉड्यूलस ऑफ एक्स टू बराबर कब होंगे, मॉड्यूलस ऑफ एक्स वन और मॉड्यूलस ऑफ एक्स टू बराबर कब होंगे, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आएगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स वन मॉड्यूलस ऑफ एक्स टू। और अगर एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह नेगेटिव है, जैसे सपोज यहां पर प्लस फाइव और माइनस फाइव है, यहां पर प्लस फाइव रखा हुआ है यहां पर माइनस फाइव रखा हुआ तो भी इक्वल रहेगा। इसका मतलब क्या है, अंदर वाले नंबर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, दोनों पॉजिटिव में बराबर हो सकते हैं, अंदर वाले नंबर अगर ऐसे हैं तो भी बराबर रहेगा, और अंदर वाले नंबर अगर ऐसे हैं तो भी यह इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स टू अगर रखें और सिंप्लीफाई करें तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू, मतलब दो वैल्यूज आ रही है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू को लेने पर आपको एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू नहीं आया, क्या आया, एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। अब सुनना अच्छे से, ये तो हो गया किसका, वन वन की बात कर ली। अब नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑन टू की, ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए, अब इसको देखना अच्छे से, ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए अभी हम लोग ये देखें कि इसकी रेंज निकालें, रेंज क्या रहेगा, रेंज अभी हमने बार बार बताया, हर प्रॉब्लम में बताया, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप x को जो वैल्यूज दे सकते हैं वो डोमेन है, मतलब जो आप इनपुट दे सकते हैं इस फंक्शन में वो डोमेन है, और x की वो वैल्यूज रखने पर जो आंसर आएगा वो रेंज है। तो आप x को कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन जो है रियल नंबर्स को रियल नंबर से कनेक्ट कर रहा है, मतलब पहला वाला सेट क्या है, रियल नंबर्स। अब पहला वाला सेट अगर रियल नंबर है तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रेंज जो है, जो आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब क्या है, मतलब यह है कि नेगेटिव नंबर जो है कभी आंसर में नहीं आएंगे, आप इसको कोई भी नंबर रख दो, माइनस टेन माइनस हंड्रेड माइनस थ्री माइनस वन पॉइंट फाइव जो कुछ भी रखें आंसर माइनस में नहीं आएगा। मतलब अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रेंज जो है हमेशा पॉजिटिव है और कोडोमेन यानी दूसरा सेट, कोडोमेन यानी दूसरा सेट रियल नंबर से। और अभी हम लोग कहते हैं ऑन टू अगर प्रूव करना है तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं है, सो वी से दैट रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, therefore this function is not onto, onto नहीं है। अब सुनना अच्छे से, प्रॉब्लम अपना एग्जामिनेशन के हिसाब से यहीं पर खत्म हो गया, थोड़ा सा और इसमें बता दें अभी हम आपको। suppose fx is equal to mod of x, अगर आपने इसको प्लॉट किया
ग्राफ अगर आप इसका देखें तो ग्राफ लेने का तरीका, आप एफ एक्स की जगह ये वाई लिख दो तो ये फंक्शन आ गया। दो तरीके हैं, दो तरीके क्या हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स है और एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो एक्स के बराबर आएगा, वाई इक्वल टू एक्स आएगा। वाई इक्वल टू एक्स कब आएगा, मतलब ये दो लाइंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है। अंदर अगर प्लस फाइव रखा, प्लस सेवन रखा, इसको मैथ्स में अभी हम लोग ऐसा लिखते हैं ग्रेटर देन जीरो, अंदर वाला नंबर पॉजिटिव अगर रखा तो आपको ये दो लाइंस लगाने की जरूरत नहीं मॉड्यूलस की। सो इफ द नंबर इनसाइड इज ग्रेटर देन जीरो, दिस कैन बी रिटन डाउन डायरेक्टली वाई इक्वल टू एक्स। लेकिन अगर स्मॉलर देन जीरो है तो क्या कह सकते हैं, अगर अंदर वाला नंबर स्मॉलर देन जीरो है मतलब माइनस फाइव है, तो ये दो लाइंस क्या करेंगी, अंदर वाले नंबर को पॉजिटिव बना देंगी। उसको दूसरी भाषा में अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि अंदर वाले नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। सो इफ द नंबर इनसाइड इज स्मॉलर देन जीरो देन द आंसर विल बी व्हाट, माइनस एक्स। अब इसमें आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वाई इक्वल टू एक्स कैसी लाइन होती है और वाई इक्वल टू माइनस एक्स कैसी लाइन होती है। ये एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो इसका स्लोप वन है। वाई इक्वल टू माइनस एक्स को अगर आप एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो इसका स्लोप माइनस वन है। स्लोप वन का मतलब क्या है, स्लोप वन का मतलब ये है कि ये टेन 45 है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है और ये कितने का 135, और इसमें अगर आप इसको प्लॉट करो तो ये x है ये y है और y इक्वल टू x, अच्छे से देखना किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये वाला किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जीरो रखो, मन में बहुत सारी चीजें सोचकर देखना, x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू जीरो आएगी और 45 डिग्रीज पर ये लाइन बनानी है, ये बना ली। अब ध्यान से देखना ये वाली लाइन कहां पर लेनी है, y इक्वल टू एक्स कहां पर लेना है, अच्छे से देखना y इक्वल टू एक्स कहां पर लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। x की पॉजिटिव वैल्यूज कहां पर है, ये देखो ध्यान से, x की पॉजिटिव वैल्यूज ये वाली है, मतलब आपको ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का नहीं लेना। फिर उसके बाद अगला क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स मतलब 135, यहां से 45 तो अभी हम बना चुके थे, अब यहां से 135 अगर बनाना तो यहां कहीं पर बीच में आएगा, ये आ जाएगी लाइन y इक्वल टू एक्स है और ये वाली लाइन कहां पर है, y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स कहां पर है, जहां पर x नेगेटिव है, जहां पर x नेगेटिव है, x नेगेटिव कहां पर है, इस तरफ है, x नेगेटिव इस तरफ है, मतलब जहां पर x पॉजिटिव है वहां पर ये लाइन नहीं लेनी, नहीं लिया। तो इसका जो ग्राफ आएगा बेटा वो कैसा आएगा, ऐसा कुछ। और मान लो कुछ बच्चे बहुत मतलब पुरानी क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं देते, तो बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, या फिर उसका भी एक इलाज अभी हम बता देते हैं आप क्या, कि आप इसमें जो टेंथ में एक मेथड यूज करते थे वो मेथड यूज कर लो, एक्स और वाई ऐसा प्लॉट कर लो, ये एक्स ले लिया ये वाई ले लिया, एक्स की वैल्यू जीरो ले लो, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन ले लो, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू ले लो, ऐसे प्लॉट कर लेना। एक्स की वैल्यू जीरो अगर रखोगे तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी, प्लस वन रखोगे तो भी वन आएगी, माइनस वन रखोगे तो भी वन आएगी, अंदर एक्स की वैल्यू माइनस वन रखोगे तो भी प्लस वन आएगा और प्लस वन रखोगे तो भी प्लस वन आएगा, प्लस टू अगर रखोगे तो क्या होगा, प्लस टू रखोगे तो टू आएगा, माइनस टू रखोगे तो भी टू आएगा। तो अब इनको प्लॉट कर लेना, ये उन लोगों के लिए ये मेथड है
जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमें मैथ्स बहुत अच्छे से नहीं बनती, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज का सोल्यूशन, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, एक्स की वैल्यू प्लस वन पर वाई की वैल्यू वन आएगी, एक्स की वैल्यू वन पर वाई की वैल्यू वन, और एक्स की वैल्यू माइनस वन पर तो भी ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। इसमें और अच्छा एक फायदा यह है कि ये नीचे वाला अपने आप आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर y की नेगेटिव वैल्यूज आने ही वाली नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें रखकर वैल्यूज निकाल रहे हो तो फिर आपको ये नीचे का तो अपने आप आएगा ही नहीं, उसमें तो अभी हम समझाना पड़ा था, इसमें समझाना भी नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ अभी हमने इसलिए बता दिया क्योंकि अब आपको थोड़ा सा ग्राफ्स का यूज आना चाहिए, क्योंकि आपको यूज होगा, इधर यूज होगा, आगे के कुछ चैप्टर्स हैं उनमें भी यूज होगा, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट ग्राफ्स। अब इसमें अच्छे सुनना बेटा कि अगर आपने ये y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ अगर ड्रॉ कर लिया, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ अगर आपने ड्रॉ कर लिया, देखो डोमेन रेंज बहुत अच्छे से हम बहुत सारे तरीके से इसलिए बता देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या कर रहे हैं, ये y एक्सिस है, ये इंफिनिटी तक जाएगी, ये भी इंफिनिटी तक जाएगी, y इक्वल टू x कहां तक ड्रॉ करनी है, सिर्फ इधर ही तक नहीं, ये तो बहुत आगे तक जाएगी। अब इसमें x की जो वैल्यूज आ सकती हैं, x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो x एक्सिस पर देखेंगे, तो ये फंक्शन x एक्सिस पर कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यहां पर x वाली वैल्यूज कहां पर है, इतनी वैल्यू के लिए x की और नेगेटिव ले ले तो यहां पर भी है, तो कहां तक ये ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, x की वैल्यू सारे रियल नंबर्स, तो ये इसका डोमेन आ गया, तो डोमेन हमेशा आपको कहां पर मिलेगा, x एक्सिस पर मिलेगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x में आप क्या करें, ये देख लें, क्या देख लें कि भाई x की कौन सी वैल्यूज नहीं ली इसने इस फंक्शन ने, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि x की सारी वैल्यूज ले रहा है, लेकिन y के बारे में अगर बोले तो x जो है वो डोमेन बता देगा और y जो है वो आपको रेंज बताएगा, तो y देखो आप, y की ये वाली वैल्यू हाँ है, y की ये वाली वैल्यू भी है, y की कौन सी वैल्यूज नहीं है, अगर आप देखें तो यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहां कहीं पर नीचे की तरफ ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो y जो है कहां पर मिलेगा, y एक्सिस पर मिलेगा, और y एक्सिस पर अगर आप देखें तो r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, और y की ये जो वैल्यूज हैं, y की ये जो वैल्यूज हैं r प्लस, ये रेंज कहलाएगा, तो डोमेन आपको कहां पर मिलेगा, x एक्सिस पर, और रेंज कहां पर मिलेगा, y एक्सिस पर। अब एक और चीज अच्छे सुनो, बहुत सारी चीजें बताएंगे बेटा इसमें, इसमें अगर आप कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना लें, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर आप बना लें, तो वो अगर ग्राफ को दो जगह या दो से ज्यादा जगह पर कट कर रही है तो वो वन वन नहीं है, मेनी टू वन है। ये पॉइंट याद रखना, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप अपने तरीके से इसको लिख लेना भाई, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इफ इट कट्स द ग्राफ एट टू और मोर पॉइंट्स देन इट इज मेनी टू वन। अब मेनी टू वन क्यों है, हमने लिखवा दिया इसलिए नहीं है, इसमें एक्स की इस वैल्यू के लिए, ध्यान से देखना, एक्स की इस वैल्यू के लिए ये वाई आया, और एक्स की इस पॉजिटिव वैल्यू के लिए उतना ही वाई आया, मतलब x की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू आई उतनी ही वैल्यू x की नेगेटिव वैल्यू अगर ले तो y की उतनी ही वैल्यू आने वाली है। और ये मालूम भी है, क्या मालूम है कि x की वैल्यू अगर आप प्लस वन ले लें और माइनस वन ले लें, प्लस वन अगर रखोगे तो भी वन आएगा और माइनस वन अगर रखोगे तो भी वन आएगा, प्लस वन रखने पर आंसर y का वन आएगा और माइनस वन अगर आप रखोगे x की वैल्यू तो भी y की वैल्यू वन आएगी। तो ये चीज अभी हमने ग्राफ में बता दिया कि x की इतनी नेगेटिव वैल्यू पर y इतना आया, x की पॉजिटिव वैल्यू पर y सेम वैल्यू आया,
तो एक्स की दो वैल्यूज पर, एक्स की दो वैल्यूज पर वाई की एक ही वैल्यू अगर बन रही तो ये मेनी टू वन। तो मेनी टू वन का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है मेनी टू वन प्रूव करने का, कि अगर ग्राफ मालूम है तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दो, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे और वो ग्राफ को दो जगह पर या दो से ज्यादा जगह पर कट करेगी तो वो मेनी टू वन हो गया। ठीक, इसका यूज करेंगे अभी हम लोग आगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इसलिए कुछ चीजें बता दें, जब मैं ग्राफ्स की आपको बहुत ज्यादा आदत नहीं है इसलिए इकट्ठा बहुत सारा कुछ नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपन करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बहुत कुछ है बताने को लेकिन अभी हम उसको एक अलग से क्लास लेकर उसके बारे में बताएंगे, जिसमें अभी हम लोग सिर्फ ग्राफ्स ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में देख लो मुझे क्या दिया है। शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वन, जीरो, माइनस वन, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए है और ये एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए है। ये एक्स स्मॉलर देन जीरो के लिए है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये वन वन अगर प्रूव करना है तो आप x की दो वैल्यूज ले लो। x की दो वैल्यूज कैसी ले लो, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, उससे x1 वन इज इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए। अब इसमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि कहां पर x की वैल्यू रख दें और क्या कर दें, तो थोड़ा सा सोच कर देखो। इनने ये बोला है कि x अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स की वैल्यू वन है। इसका मतलब क्या है, x की आप कोई भी दो वैल्यूज ले लो, x की वैल्यू प्लस टेन ले लो कैसी है, ग्रेटर देन जीरो। x की वैल्यू प्लस फिफ्टीन ले लो कैसी है, ये भी ग्रेटर देन जीरो। x की वैल्यू थर्टी ले लो ये भी कैसा है, x ग्रेटर देन जीरो। एक्स की कितनी भी वैल्यूज ले लो लेकिन सारी पॉजिटिव, एक्स की कितनी भी वैल्यूज ले लो लेकिन सारी पॉजिटिव अगर हैं, अगर पॉजिटिव हैं तो आंसर वन आएगा। तो ये आप इसके टर्म्स में अगर ड्रॉ करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि भाई आपने यहां पर टेन ले लिया, फिफ्टीन ले लिया, थर्टी ले लिया, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, ये सारी की सारी किससे कनेक्ट होने वाली है, ये सारी की सारी वन से कनेक्ट होने वाली है। सिर्फ तीन ही नहीं है, आपको फाइव टू वन ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं किससे कनेक्ट होंगी, वन से कनेक्ट होंगी। तो ये क्या वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन तो तब बोलते हैं जब एक एलिमेंट एक से रिलेटेड हो, लेकिन यहां पर क्या है मेनी टू वन, बहुत सारे जो हैं एक से रिलेटेड है। इसमें ये एकदम क्लियर रहना चाहिए मेनी टू वन, इसका मतलब ये मेनी विल बी रिलेटेड टू वन। अब इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये तो अभी हमने आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया। अब इसके बाद इसमें लिखने का तरीका ये है कि भैया एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ले लो, और इसको देखकर हम लोग ये कह सकते हैं दिस विल इंडिकेट दैट एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू। अगर आपने, क्योंकि कहीं से भी प्रूव नहीं हो रहा ये चीज, क्या चीज प्रूव नहीं हो रही कि भाई आपने x1 is equal to x2 लिया और fx1 is equal to fx2 रखा और रखने पर क्या x1 और x2 बराबर है, नहीं बिल्कुल नहीं। अब आप चाहो तो इसमें एक एग्जांपल कोट कर सकते हो, एग्जांपल f10 मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू कैसी है वन आएगी, और f20 ये x की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, इसमें भी वन आएगा।
तो एक्स वन और एक्स टू क्या बराबर है? नहीं, लेकिन एफ एक्स वन और एफ एक्स टू तो बराबर है। एफ ऑफ टेन इज इक्वल टू एफ ऑफ ट्वेंटी तो है, बट टेन नॉट इक्वल टू ट्वेंटी, तो ये वन वन प्रूव हो गया। अब उसके बाद ऑन टू अगर प्रूव करना है, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए अपन कुछ सेट्स मालूम होने चाहिए भाई। सेट्स क्या है बेटा इसमें? आर टू आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये तो लिखना ही लिखना है। अगर ये छूट गया मतलब ये हमसे छूट गया, ये हमारी गलती है। क्यों? लेकिन अभी हमने हमारी गलती तो अभी हमें पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि भैया जब प्रॉब्लम ऑन टू पर आए तब हमें ये देखना, ऑन टू जब भी प्रूव करते हैं तो रेंज शुड बी इक्वल टू द कोडोमेन, सेकंड सेट के बराबर होना चाहिए। तो अभी हमें तुरंत समझ में आ गया कि वन वन तो प्रूव कर लिया, ऑन टू पर आएंगे तो रेंज देखना है, रेंज देखना मतलब कोडोमेन। तो कोडोमेन तो अभी हमने लिखा नहीं है, तो कोडोमेन अब लिखा। अब इसमें देखो आगे इसकी रेंज क्या है। रेंज मतलब आप एक्स को कुछ भी वैल्यूज रख दो, एक्स को आप पॉजिटिव वैल्यूज रखो, नेगेटिव रखो, कैसी भी वैल्यूज रखो, आंसर क्या आएगा? आंसर इसका हमेशा वन जीरो और माइनस वन। तो रेंज इसकी जो है वो सिर्फ तीन ही नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन से? वन जीरो और माइनस वन। आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज कुछ भी रख दो वन आएगा, जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, नेगेटिव कुछ भी रखो माइनस टेन माइनस ट्वेंटी माइनस थर्टी कुछ भी रखो आंसर माइनस वन आएगा। तो ये रेंज है, मतलब रियल नंबर्स में से रियल नंबर्स को कनेक्ट करने वाला सारी पॉजिटिव वैल्यूज किससे कनेक्ट हो जाएंगी? सारी पॉजिटिव वैल्यूज वन से कनेक्ट हो जाएंगी, जीरो जीरो से कनेक्ट हो जाएगा, और सारी नेगेटिव वैल्यूज किससे? माइनस वन से। लेकिन बाकी के नंबर्स का क्या हुआ? क्योंकि ये सेकंड सेट जो है रियल नंबर्स का, तो इसमें रियल नंबर्स में बाकी सारे नंबर छूट गए। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये चीज अभी हमने इतना जो है ड्रॉ किए बिना भी अभी आप बता सकते हैं, रेंज वन जीरो और माइनस वन है, और कोडोमेन यानी दूसरा सेट ये रियल नंबर्स है। मतलब अभी हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। ठीक, अब अगला ले लें आगे पे। इसमें भी ग्राफ अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं, अब ये थोड़ी सी एक आदत डाल देंगे कि आपको सारी चीजें एकदम परफेक्टली क्लियर रहें। विल बी ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ सम फंक्शंस आल्सो। ये प्रॉब्लम्स को साथ के साथ करते जाना, क्योंकि आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप आज से 10 दिन बाद 15 दिन बाद अगर सोचेंगे कि अभी हम लोग कर लेते हो, 10-15 दिन बाद कुछ नया टॉपिक हो चुका होगा, है ना, और फिर इसके कॉन्सेप्ट भी भूल जाएंगे। अब इसमें ग्राफ पर आ जाए, तो ग्राफ ये वाला मेथड अभी हमने बोला ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको कुछ नहीं आता अभी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो एक्स की वैल्यू आप 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, ये ऐसी कुछ भी वैल्यूज ले लो, तो क्या आ जाएगा? वाई की वैल्यू 1 ही आने वाली, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 1 अगर आपने ले ली तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 अगर ले लोगे तो भी 1 आएगी, आप अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। इसमें ये याद रखना, x की वैल्यू 0 पर ये वाला ग्राफ नहीं चलता। तो यहां पर अभी हमने क्या किया, एक एम्प्टी सर्कल बना लिया, जो पॉइंट इंक्लूड होते हैं उनको डार्क कर देते हैं। ये वाला इंक्लूड क्यों नहीं है? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए है, ये वाली लाइन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है, 0 के लिए नहीं। अब x इक्वल टू 0 पर तो ये पॉइंट है, सिर्फ ये एक पॉइंट भर है। फिर x स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या है, x और y आप ले लें, x की वैल्यू माइनस 2
टू माइनस थ्री माइनस फाइव कुछ भी ले लो x की नेगेटिव वैल्यू, इसके लिए y की वैल्यू माइनस वन ऐसा कुछ आएगा। तो कैसा आएगा, x की वैल्यू माइनस टू पर y की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन पर माइनस वन, माइनस टू पर भी माइनस वन, इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा। लेकिन ये x स्मॉलर देन जीरो के लिए है, मतलब ये। तो इसमें आप ध्यान से देखें, ग्राफ में x की कोई भी वैल्यू ले लें आप, x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लें, जैसे 2 ले लिया 3 ले लिया, y की वैल्यू 1 आ रही है। इसमें वो चीज कैसे अप्लाई होगी कि भाई आपने अगर एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो अगर ग्राफ को दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर रही है तो वो 1-1 नहीं होगा। तो अब इसमें देखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो ये देखो इस दिए हुए ग्राफ को कितनी जगह कट कर रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कट कर रही है। ये वाली लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये वाली लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये इस लाइन को कितनी जगह कट करेगी, दिस विल बी कटिंग इनफाइनाइट, कटिंग एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। इसका मतलब ये है आप x की इस वैल्यू पर y की ये वैल्यू आएगी, x की इस वैल्यू पर y की ये सेम वैल्यू आएगी, x की इस वैल्यू पर भी y की सेम वैल्यू आएगी। कट करने का यही मतलब होता है कि x की इस वैल्यू पर y की इतनी वैल्यू आई, x की इतनी वैल्यू पर y की सेम वैल्यू आई। तो इसमें अभी हम लोग देखकर बता सकते हैं दैट देयर आर मेनी वैल्यूज ऑफ x व्हिच विल बी गिविंग यू द सेम वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। तो इसको अभी हम लोगों ने ग्राफ पर भी ड्रॉ कर लिया, दिस इज सिग्मा फंक्शन, तो ये 1-1 नहीं है, ये भी बता दिया। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज 1, 0 और -1 है और कोडोमेन इसका रियल नंबर है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अब ये एकदम इन्होंने बहुत इजी प्रॉब्लम दे दिया, उन्होंने कहा बच्चे परेशान हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में ए जो है दिस इज 1, 2 एंड 3 है और बी इसमें 4, 5, 6, 7 इसमें फंक्शन जो है ये डिफाइंड है, कैसे फंक्शन डिफाइंड है 1, 4, 2, 5 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6 इसमें अगर आप देखो तो इसको अगर अभी हम लोग इस डायग्राम के टर्म्स में अगर बताएं तो 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6 एंड 7 1 is related to 4, 2 is related to 5 and 3 is related to 6। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, बहुत छोटा सा है कि उसे बहुत सारी चीजें बहुत इजीली बता सकते हैं, क्योंकि टफ प्रॉब्लम्स करने के बाद आपको इजी प्रॉब्लम करोगे तो सारी चीजें एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएंगी। तो अब इसमें अगर आप देखो तो ये 1-1 फंक्शन है, ये 1-1 फंक्शन क्यों है, क्योंकि 1 एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज कनेक्टेड टू 1 एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट,
इसमें कोई भी दो एलिमेंट्स किसी एक से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें अब हम लोग कह सकते हैं दैट दिस इज व्हाट दिस इज अ वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन है। अब इसमें अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, डोमेन अगर आप देखें, डोमेन जो है वो पहली वाली वैल्यू या पहला सेट, तो डोमेन इसका 1, 2 और 3 है। रेंज इसका क्या है, कनेक्टेड एलिमेंट्स, रेंज 4, 5 और 6 है। कोडोमेन क्या है, दूसरा सेट, दूसरा सेट क्या है 4, 5, 6, 7। तो क्या ये ऑन टू है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है और वन वन, तो वन वन अभी हम लोग कह सकते हैं कोई भी दो एलिमेंट्स पहले सेट के उनकी सेम इमेजेस नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक नेक्स्ट टाइम।